तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। कल यूपीएससी सीएससी 2018 का रिजल्ट हम लोगों के सामने आया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन लोगों को जिनका सिलेक्शन हुआ है। उम्मीद है कि हमारे देश को बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर्स मिलने वाले हैं। और आप लोगों के लिए 5 डेली रिमाइंडर्स हैं मेरे लिए, 5 चीज़ें जिन चीज़ों को आप लोग डेली याद करना। उनमें से सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत अमेजिंग हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। तीसरी चीज़ है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। फोर्थ थिंग इज़ कि आप कभी भी हार नहीं मानोगे। एंड द लास्ट वन एंड द फिफ्थ थिंग इज़ कि आप सब लोग एक दिन सक्सेसफुल होगे, आप सब लोग एक दिन सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ोगे। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है अप्रैल 6, 2019, और डे है सुपर सैटरडे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं अन अकेडमी पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एजुकेटर हूं, तो आप लोग अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था। सवाल था स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 रिपोर्ट के बारे में, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर की जितनी भी स्टेटमेंट थी सारी की सारी सही स्टेटमेंट थी। आज के लिए जो आपका सवाल है वो थोड़ा सा ज्योग्राफी से लिंक करता है। द लॉर्ड हो आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू द एमंस कोरल ब्लीचिंग इन द एरियाज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी। अभी कल मैंने आपको कोरल ब्लीचिंग के बारे में बताया था कि इस पर्टिकुलर आइलैंड में हमें कोरल ब्लीचिंग देखने को मिली है। ये सदर्न मोस्ट पोर्शन है हमारे साउथ हेमिस्फेयर का, और यहाँ पर हम लोगों ने कोरल ब्लीचिंग देखी है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। आपको बताना है ये जो लॉर्ड होज आइलैंड है ये किस पर्टिकुलर सी के अंदर पड़ता है। ऑप्शंस है ए तस्मान सी, बी कोरल सी, सी सोलोमन सी, या डी बांडा सी। अपने अपने आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 1 पे आपको पहली खबर मिलती है, पाकिस्तान ओपन्स अ रूट फॉर फ्लाइट्स आउट ऑफ इंडिया। मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ पढ़ाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो एयर रूट है वो फ्लाइट्स के लिए ब्लॉक कर किया हुआ है, और बहुत सारे देश यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई बाय नहीं कर पा रहे हैं। कारण यहाँ पे पुलवामा अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने ही अपने जो एयर रूट्स थे उनको ब्लॉक कर दिया था। बट इंडिया ने कुछ ही घंटों बाद उसे ओपन कर दिया था, पर पाकिस्तान ने आज भी उन देशों के लिए ब्लॉक कर रखा था जिन्होंने पुलवामा के बाद पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। यहाँ पे आप देखो कि इंडिया से बाकी सारे देशों में जो फ्लाइट जा रही हैं और बाकी सारे देशों से जो इंडिया की तरफ फ्लाइट आ रही हैं वो कोई भी पाकिस्तान के ऊपर से रूट नहीं हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है कि कौन कौन सी फ्लाइट किस किस तरीके से जा रही हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था उन ऑपरेटर्स का जो कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट ओन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल ज़्यादा खर्च हो रहा था, टाइम ज़्यादा लग रहा था किसी पर्टिकुलर रूट के अंदर। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का नुकसान नहीं हो रहा था, पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा था। क्यों? क्योंकि अगर कोई एयर फ्लाइट यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर से गुजरती है तो यहाँ पर पाकिस्तान को हम लोग कुछ पैसे देते हैं, ठीक है, एज अ टैक्स हम लोग पे करते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल रिलीफ मिला है उन एयरलाइंस को, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना यहाँ पे रूट को ओपन कर दिया है फॉर वेस्ट बाउंड फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया। जो इंडिया से वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जो यहाँ पे फ्लाइट्स जाएंगी उनको यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है उन फ्लाइट्स वालों के लिए, और जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। उनको ज़्यादा समय खर्च हो रहा था, जब ज़्यादा समय खर्च होता है, ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है, रीरूटिंग करनी पड़ती है, तो उनको ज़्यादा पैसे भी देने पड़ते थे। तो पाकिस्तान ओपन द रूट फॉर द वेस्ट बाउंड फ्लाइट्स अराउंड 5 PM ऑन थर्सडे। ये जो इम्पैक्ट था इट है येट टू बी असेस्ड, जो इम्पैक्ट है अभी भी उसे असेस करना बाकी है। जो डिसीजन है ऑन ओपनिंग अ पैसेज फॉर प्लेन्स ओवर फ्लाइंग पाकिस्तान एंड एंटरिंग इंडिया इज येट टू बी टेकन, कि यहाँ पर जो इंडिया के अंदर एंटर होंगे फ्लाइट्स उनके ऊपर डिसीजन लेना अभी भी बाकी है। जो इंडिया से वेस्टर्न कंट्रीज में जा रही हैं उनके लिए जो एयर स्पेस है उसको खोल दिया गया है। देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर टोटल 11 एंट्री पॉइंट्स हैं, 11 एंट्री पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान डिसीजन टू एक्टिवेट वन रूट विल हेल्प फ्लाइट्स फ्रॉम मुंबई टू US एंड यूरोप। ओके, तो अभी एक रूट को यहाँ पे एक्टिवेट किया गया है। अराउंड 220 फ्लाइट्स यूज पाकिस्तान एयर स्पेस एवरी डे अकॉर्डिंग टू द IATA।
पाकिस्तान ने यहाँ पर अपना एयर स्पेस फरवरी 26 को शट डाउन कर दिया था फॉर ऑल द एयरलाइंस। बाय मार्च 27 पाकिस्तान हैड रिज्यूम्ड फ्लाइट्स ऑपरेशंस फ्रॉम ऑल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री की इन कंट्री जो यहाँ पे फ्लाइट्स होती हैं पाकिस्तान के अंदर वो चल रही थी, बट जो ट्रांजिट फ्लाइट्स थी और जो फ्लाइट्स यहाँ पे जो इंडिया की तरफ आ रही थी, कुआलालंपुर की तरफ जा रही थी, बैंकॉक की तरफ जा रही थी, उनको सस्पेंड ही रखा गया था। तो अब खुलने का दौर चालू हो गया है। मैंने आपको समय भी बोला था कि जैसे जैसे मई आएगा ये सारी की सारी फ्लाइट्स के जो रूट्स हैं वो हमें ओपन होते हुए नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर हमारे देश के लिए वो ये है, 100 फिशरमैन टू बी फ्रीड ब्रॉट टू वागा। पाकिस्तान यहाँ पे छोड़ेगा हमारे 100 इंडियन फिशरमैन को। डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर कन्फर्म किया है। अकॉर्डिंग टू दी सोर्सेज पाकिस्तान ऑफिशियल हैव इंटीमेटेड इंडिया कि वो फिशरमैन को यहाँ पर रिलीज करेंगे ऑन अप्रैल 7 एंड टेकन टू दी वागा बॉर्डर ऑन अप्रैल 8। तो अप्रैल 8 को वागा बॉर्डर की तरफ से हमारे 100 फिशरमैन वापस हमारे देश आएंगे। दिस मूव कम्स अ फ्यू डेज आफ्टर इंडिया मेड अ स्पेशल अपील। इंडिया ने यहाँ पर अपील की थी एक नोट वर्बेल के अंदर। नोट वर्बेल बेसिकली एक अनऑफिशियल एक तरीके का एक ट्रांसमिशन होता है, डिप्लोमेटिक टू डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, जो हम लोगों ने पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ भेजा। हम लोगों ने बोला कि हमारे 385 फिशरमैन और 10 अदर प्रिजनर्स को यहां पे रिलीज किया जाए। 385 इंडियन फिशरमैन हैं जो कि यहां पर पाकिस्तान के अंदर हैं और उस चीज को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, उनमें से 100 को अब यहां पे छोड़ा जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज इंडिया हैज इंटीमेटेड अबाउट द रिलीज ऑफ 100 प्रिजनर्स ऑन मंडे, बट पाकिस्तान प्लान्स टू रिपैट्रिएट अ टोटल ऑफ 360 प्रिजनर्स इन टोटल इंक्लूडिंग 5 अदर्स ओवर दिस मंथ इन वीकली बैच ऑफ 100। यहां पे कुछ सोर्सेज का कहना है कि पाकिस्तान सबको छोड़ने वाला है 100-100 लोगों के यहां पे बैच में। तो एक बहुत ही अच्छी खबर आई है हम लोगों के लिए। पेज नंबर 1 पे आपको एक और खबर मिलती है, 3/5 रेट इकोनॉमिक सिचुएशन एज एवरेज और बैड। देखो यहाँ पे जैसे कि इलेक्शन आने वाले हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सर्वे हो रहे हैं, आपको भी अलग अलग टेलीफोन कॉल्स आ रहे होंगे। तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं दैट इज ओपिनियन पोल। ओके, ओपिनियन पोल चल रही है, जो इलेक्शन के बाद होती हैं, जो वोट डालने के बाद होता है उसे हम लोग एग्जिट पोल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो द हिंदू और यहाँ पे लोक नीति के साथ मिलकर सर्वे करते हैं उसकी कुछ यहाँ पे चीज़ें आई हैं। हमारे लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, हम उन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं देंगे क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। दिस इज ऑल अ पॉलिटिकल सिनेरियो। इन चीज़ों को मैं अपने अलग चैनल पे कर रहा हूँ, आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग ऊपर आई का बटन दबाकर मेरी नई वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे लोकनीति का जो सर्वे है उसने रिवील किया है कि जॉब्स और इनकम का जो कंसर्न है वो सबसे बड़ा कंसर्न है जो कि आज की डेट में सरकार के खिलाफ जा रहा है। 47% जो यहाँ पे रिस्पोंडेंट थे जिनमें से 50% यूथ और 53% थे अमंग दी कॉलेज ग्रेजुएट्स, उनका ये कहना है दैट इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब। नौकरियों को ढूंढना, नौकरी की तलाश करना आज की डेट में सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया है। 51% का ये कहना है कि उनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो इनसफिशियंट है उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। 33% का ये कहना है कि कंट्री की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो आज की डेट में एक एवरेज सिचुएशन है। 25% का कहना है कि वो एक बैड सिचुएशन है और 34% का कहना है कि वो गुड या एक वेरी गुड सिचुएशन है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि एक अच्छी सिचुएशन है इकोनॉमी की, और एवरेज लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्मल और एवरेज सिचुएशन है, और 25% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन ख़राब है। डिस्पाइट अ नेट नेगेटिव परसेप्शन ऑफ द इकोनॉमी 46% वॉन्ट NDA टू रिटर्न इन पावर। 46% लोग यहाँ पर चाहते हैं कि NDA पावर में वापस आ जाए, नेट नेगेटिव परसेप्शन ऑफ द इकोनॉमी के बावजूद भी। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको इन हार्मनी एक पर्टिकुलर एक अच्छी पेज नंबर 5 पे आपको एक पिक्चर मिलती है, नागा ट्राइबल विमेन टेकिंग पार्ट इन अ शो टू सेट अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या बनाया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। यहाँ पे एक डांस किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्याक डांस के नाम से, और नागालैंड का ये पर्टिकुलर डांस है, और वहाँ पर एक मिनी हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा है इस समय पर, और वहाँ पर इस चीज़ का पार्टिसिपेशन हो रहा है। आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट है यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में जानना। नाउ व्हाट इज दिस हॉर्नबिल फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द लार्जेस्ट इंडिजीनियस फेस्टिवल और एक एनुअल इवेंट है जो कि नागालैंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है यहाँ पर अराउंड दिसंबर, और यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम लोग इस फेस्टिवल को बनाते हैं।
दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इन ऑर्डर टू द एनकरेजमेंट ऑफ द इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन. जो अलग अलग ट्राइब्स हैं यहाँ पे नागालैंड के अंदर और नागालैंड से बाहर की भी ट्राइब्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन हो सके, नागालैंड के कल्चर को हम लोग प्रमोट कर सकें, ये हमारा मेन मकसद रहता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का. और जो नागा हेरिटेज है उसकी यूनिकनेस को प्रोटेक्ट कर सकें, इंडिजीनियसनेस को प्रोटेक्ट कर सकें, रिवाइव कर सकें, ये एक बहुत बड़ा मकसद है. जो प्रैक्टिस है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल की वो 1963 से यहाँ पर स्टार्ट हुई थी. इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है. ये जो फेस्टिवल है ये यहाँ पर हॉर्नबिल बर्ड के नाम से नेम किया गया है, विच इज़ मोस्टली डिस्प्लेड इन फोकलोर ऑफ वेरियस ट्राइब्स इन मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स. जो हॉर्नबिल है इट इज़ द मोस्ट रेवर्ड एंड एडमायर्ड बर्ड फॉर द नागास. नागास के लिए सबसे एडमायरेबल बर्ड है. और जो फेस्टिवल है इट इज़ एन ट्रिब्यूट टू दिस पर्टिकुलर मेजेस्टिक बर्ड, जो कि अपनी क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, अपने ग्रैंडियर के लिए, अपनी अलर्टनेस के लिए. जो बर्ड है उसको बहुत ज़्यादा क्लोजली रिकॉग्नाइज करते हैं नागा पीपल अपनी कल्चरल और सोशल लाइफ से. और वही सारी की सारी चीज़ें उनके डांसेस में, उनके सॉन्ग्स में, उनके फॉक शोज में, उनके ड्रेसेस में भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज की जाती हैं. जो उनका ट्रेडिशनल हेडगेयर है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हॉर्नबिल बर्ड से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है. जो ये एनुअल फेस्टिवल है इसको यहाँ पर स्टेट टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर का जो डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइज करता है. दिस फेस्टिवल इज़ अ कलरफुल मिक्सचर ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज, फूड फेयर्स, स्पोर्ट्स, गेम्स, परेड्स, क्राफ्ट्स, परफॉर्मेंसेस, डांस, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है. साथ ही हॉर्नबिल फेस्टिवल एक्सपोजेस दी कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द ट्राइबल पीपल, और जो लोगों की आइडेंटिटी है उसे प्रोटेक्ट करने में, खासकर इंडिया के फेडरल यूनियन के अंदर. देखो हम लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए फेमस है, पूरा देश हमारा भारत देश इंडिया, यहाँ पर हम लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए फेमस है, तो उसी के लिए ये पर्टिकुलर फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल कल्चरल ट्रूप्स ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस पर्टिकुलर इवेंट, जिस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से एक इंटरनेशनल इवेंट भी बन जाता है. आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 की तरफ. हम लोग कई दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बातें कर रहे हैं. अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए यहां पर सरकार ने कल एफिडेविट देते हुए बोला था कि इलेक्शन कमीशन ने जो बोल दिया है कि ये रेट्रोग्रेड स्टेप है, ये यहां पर ट्रांसपेरेंसी को कम कर रहा है इलेक्शन डोनेशन के अंदर, उसको साफ करते हुए सरकार ने बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे यहां पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है. अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो एडवोकेट है प्रशांत भूषण, उनकी भी यहाँ पर प्ली को एक्सेप्ट कर लिया है. उन्होंने भी यहाँ पर यही बोला है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पे हमारे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस को एनोनिमसली यहाँ पे डोनेट किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और 95% जो यहाँ पे डोनेशन है दे आर गिवन टू द रूलिंग पार्टी, और ये सारी की सारी चीज़ें बाहर ना आए इसलिए यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं किया जा रहा है. यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी ने बोला कि जो चीज़ यहाँ पे प्रशांत भूषण कह रहे हैं वो एक इलेक्शन स्पीच है. आप लोगों के लिए एग्जाम एलिमेंट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानना, आज कुछ चीज़ें और कवर कर लेते हैं. नाउ व्हाट इज़ इट, क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स? इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली एक तरीके के बियरर इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे हमारे प्रॉमिसरी नोट होते हैं. आप कह सकते हो ये उस तरीके के बॉन्ड है जिनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बिल्कुल एक बैंक नोट की तरह है, दैट इज़ पेएबल टू द बियरर ऑन डिमांड, और जो कि इंटरेस्ट फ्री होते हैं. इसे भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी बॉडी जो कि इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है वो परचेज कर सकते हैं. कहाँ सर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर कुछ ब्रांचेज होती हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आरबीआई उनकी लिस्ट निकालती है, उन्हीं ब्रांचेज से यहाँ पर हम लोग परचेज कर सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स. ये जो बॉन्ड्स हैं ये मल्टीपल ऑफ 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ में यहाँ पर इशू किए जाते हैं, एंड दे आर अवेलेबल एट द स्पेसिफाइड ब्रांचेज ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इनको यहाँ पर अपनी KYC कंप्लायंट अकाउंट से खरीदा जा सकता है, मतलब डिजिटल मीडियम से यहाँ पर ऑनलाइन कैश के थ्रू, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन परचेज के थ्रू आप लोग खरीद सकते हो. और इनकी जो वैलिडिटी रहती है वो 15 दिन की होती है, मतलब आपने परचेज किया तब से 15 दिन चालू हो जाएंगे, और 15 दिन के अंदर अंदर आपको जिस पॉलिटिकल पार्टी को देना है उस पॉलिटिकल पार्टी को अपने बैंक अकाउंट में डाल के उसे एनकैश कराना पड़ता है. और क्या क्या कंडीशंस हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए? नाउ एवरी पार्टी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और उसने यहाँ पर सिक्योर किए हैं कम से कम 1% ऑफ द वोट्स इन द लास्ट लोकसभा या लास्ट जो स्टेट इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर, तो उनको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है, तो उनको आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे सकते हो. तो इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांजेक्शन कैन बी मेड ओनली विया वेरीफाइड अकाउंट्स, जो उनके वेरीफाइड बैंक अकाउंट्स हैं उन्हीं के ही अंदर वो लोग सकते हैं.
जो बॉन्ड्स हैं वो अवेलेबल होते हैं फॉर परचेज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज, 10 दिन के लिए यहाँ पे अवेलेबल होते हैं हर क्वार्टर की बिगिनिंग में, जैसे जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, और जो इलेक्शन ईयर होता है उसके अंदर यहाँ पर 30 दिन का और एक्सटेंशन और एडिशनल पीरियड हमें देखने को मिलता है। अरुण जेटली जी ने भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कि दे विल नॉट बियर द नेम ऑफ द डोनर, डोनर का नेम नहीं होता यहाँ पे, एक यूनिक कोड होता है। नाउ इन अ सेंस द डोनर एंड द पार्टी डिटेल विल बी अवेलेबल विद द बैंक, बैंक के पास होती हैं, बट पॉलिटिकल पार्टी को भी यहाँ पर नहीं पता होगा कि किसने यहाँ पर डोनेट किए हैं। बट यहाँ पर अगर किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, याद रखना जैसे CBI है हमारी, लोकपाल है अब, और जैसे हमारी CVC है, इनको अगर किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर चाहिए ये सारी की सारी चीज़ें, तो वो बैंक से जो डिटेल्स हैं वो मांग सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है कि विल इट बी टैक्स डिडक्टेबल, क्या ये टैक्स डिडक्टेबल होती हैं? देखो, जब बजट रिप्रेजेंट किया गया था February 2017 के अंदर, फिनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे प्रपोज किया था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैश डोनेशन दैट अ पॉलिटिकल पार्टी कैन रिसीव बी कैप्ड एट ₹2000 एंड दैट पार्टीज बी एंटाइटल टू रिसीव डोनेशन बाय चेक और डिजिटल मोड इन एडिशन टू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यहाँ पे ऐड किया गया था कि जो डोनेशन होंगे दे वुड बी टैक्स डिडक्टेबल, और यहाँ पे जो डोनर होगा ही विल गेट डिडक्शन एंड द रेसिपिएंट और द पॉलिटिकल पार्टी विल गेट टैक्स एग्जम्पशन प्रोवाइडेड रिटर्न्स आर फाइल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। अगर रिटर्न फाइल होंगी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा तभी टैक्स में डिडक्शन मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 8 की तरफ। US काउंट्स ऑफ पाकिस्तान F-16 रिवील्स नन आर मिसिंग रिपोर्ट्स। पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने यहाँ पर सारे के सारे सबूत पेश कर दिए थे कि पाकिस्तान ने यहाँ पर अपने F-16 विमान का इस्तेमाल किया। हमारे वीर जवाज, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी ने भी यहाँ पर एक F-16 को उड़ा दिया था, उस चीज़ को भी इंडिया ने कन्फर्म किया। पर यहाँ पे 2 US के ऑफिशियल ने यहाँ पे पाकिस्तान विजिट किया और उन्होंने पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट की काउंटिंग करी और उन्होंने बोला कि काउंटिंग बिल्कुल ठीक है। देखो, यहाँ पर कुछ ही दिनों पहले जब उन्होंने पहले विजिट किया था तब यहाँ पे कुछ मिसिंग थे, जब पाकिस्तान ने बोला था कि वो जो एयरक्राफ्ट है हम लोगों ने सर्विसेज के लिए दिए हुए हैं, और अब जो नई स्टेटमेंट आई है उसके अंदर US का कहना है कि जितने एयरक्राफ्ट हैं वो सही हैं। ओके, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिटेल्स आई हैं। नाउ दीज डिटेल्स आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंडिया ने, पेज नंबर 8 पे खबर आई है, इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी कंफर्म किए हैं कि F-16 को हम लोगों ने हिट किया था। हम लोग ऑनलाइन मीडियम से, सेटेलाइट की मदद से, रडार की मदद से भी, रेडियो ट्रांसमिशन की मदद से भी हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि इंटरसेप्शन हुआ था पाकिस्तान के F-16 का और हमारे MiG-21 के साथ, और यहाँ पर इंडिया ने शॉट किया था पाकिस्तान के F-16 को। देखो, एक मैं आपको बहुत बड़ा कारण बताता हूँ कि क्यों US यहाँ पे शायद बचाने की कोशिश कर रहा है। वो US का एयरक्राफ्ट है, US नहीं चाहता कि ये चीज़ प्रूफ हो जाए कि एक वेस्टर्न एयरक्राफ्ट को एक ईस्टर्न एयरक्राफ्ट ने उड़ा दिया। एक F-16 MiG-21 से थोड़ा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है और MiG-21 ने उसे डिफीट कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं US की छवि भी खराब होगी, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। मेरे से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके मुझे ज़रूर बताना। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एक इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक होने वाला है कि इंडिया इसे किस तरीके से यहाँ पर इंटरप्रेट करेगा। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 18 पे। बीच में आज कोई खबरें नहीं है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी न्यूजेस हैं। तो डेथ्स फ्रॉम सी सेक्शन हाई इन डेवलपिंग कंट्री। नाउ देखो, यहाँ पर जब बेबी यहाँ पे बॉर्न होता है तो यहाँ पे एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसके अलावा जो ऑपरेशन की तरफ जाते हैं उन्हें हम लोग सी सेक्शन कहते हैं, बल्कि सिजेरियन सेक्शन उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर बेबी यहाँ पर स्टमक से बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट जिसको द लैंसेट के अंदर पब्लिश किया गया, उसके अंदर बात की गई कि जो मैटरनल डेथ हैं फॉलोइंग सिजेरियन सेक्शन इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर 100 times हायर देन दैट इन हाई इनकम कंट्रीज। जो हाई इनकम कंट्रीज में जो सिजेरियन सेक्शन के बाद देखते हैं कि हम लोग कुछ महिलाओं की डेथ हो जाती है, उसको अगर कंपेयर करें यहाँ पर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के साथ, तो उसमें डेथ 100 गुना ज़्यादा होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द 12 मिलियन प्रेगनेंसीज, 12 मिलियन प्रेगनेंसीज को यहाँ पे कंपेयर किया गया, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिलीज़ किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने रिलीज़ किया है अंडर द सेक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेक्शन
फर्दर एड्स ऑल दी स्टडी यहाँ पे जो की गई वो की गई फ्रॉम द डेट ऑफ 1990 टू 2017, जिसने शोकेस किया कि द क्वार्टर ऑफ ऑल वुमेन हु डाइड वाइल गिविंग बर्थ इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज हैड गॉन थ्रू सिजेरियन सेक्शन. ज़्यादातर जो महिलाओं की यहाँ पे डेथ हुई यहाँ पे बेबी को बॉर्न करते समय लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज के अंदर, उनमें से मैक्सिमम सिजेरियन सेक्शन के थ्रू गुजरी थी. ओके, ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे बेबी बॉर्न कराने की कोशिश की गई थी. तो जो आउटकम है फॉर द वुमेन इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है. और बेसिकली हम लोग पहले भी रिपोर्ट्स कवर कर चुके हैं कि जब तक ज़रूरत ना हो जब तक सी सेक्शन की तरफ आगे नहीं जाना चाहिए. हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ओवर यूज़ और अंडर यूज़ हो रहा है यहाँ पे सी सेक्शन ऑपरेशन का. यहाँ पे जिनको ज़रूरत भी नहीं होती है वो भी आजकल सी सेक्शन की तरफ जा रहे हैं. और जब लगातार किसी महिला के ऊपर यहाँ पे सी सेक्शन वाला ऑपरेशन होता है तो उनकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. यहाँ पे बताया गया कि हर साल 3 लाख महिलाएं की डेथ होती है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, 99% ऑफ होम हुआ बिलोंग टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. टाइमली असेस टू सिजेरियन सेक्शन वे नीडेड इज रिक्वायर्ड फॉर सेफ चाइल्ड बर्थ, बट यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर और जिन महिलाओं को रिक्वायरमेंट होती है उनको नहीं मिल पाता है. अ थर्ड ऑफ ऑल डेथ फॉलोइंग द सिजेरियन सेक्शन वर एट्रीब्यूटेड टू पोस्ट मार्टम होमियज जो कि 32% है, प्री एक्लिम्सिया 19%, 22% सेप्सिस है और 14% है टू एनेस्थेसिया कॉज्ड डेथ्स. इसी के साथ यहाँ पे बताया गया इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर कि हम लोगों को इस पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान देना है कि सी सेक्शन का सही तरीके से इस्तेमाल हो. वर्ल्ड वाइड जिस इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है उस यूज़ को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए. नेचुरल डिलीवरी की तरफ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए जब तक ज़रूरत ना हो, इस चीज़ को याद रखना. और आपके आसपास जो महिलाएं हों उनको भी थोड़ी सी जागरूक करने की कोशिश करना, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है. ओके, एक सोशल कॉज के लिए आप इतना कर सकते हो अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है. तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 18 पे, आपको एक और खबर मिलती है, राइज इन ओबेसिटी विजन रिलेटेड इश्यूज इन इंडियन स्कूल चिल्ड्रंस. आजकल ज़्यादातर आप स्कूल के बच्चों को देखोगे दे आर ओबीस और उनको विजन रिलेटेड इश्यू हो रहे हैं. ठीक है, खासकर उनका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है वो मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं. ठीक है, पबजी जैसे गेम खेलते हैं जो कि आपका विकास तो नहीं करते बट टाइम आपका जरूर बर्बाद करते हैं. तो ओबेसिटी विजन और डेंटल इशू बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है खासकर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के अंदर जिनकी उम्र 2 से 17 साल के बीच में है, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट का कहना है. रिपोर्ट का नाम है एनहेंसिंग द इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ स्कूल्स इनसाइट फ्रॉम स्कूल हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम. इस चीज़ को रिलीज किया यहाँ पे जर्मा वेलनेस ने जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ केयर कंसल्टेशन के लिए काम कर रही है. इन्होंने 2 लाख बच्चों को यहाँ पे एनालाइज किया जो कि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे फ्रॉम दी 20 सिटीज. यहाँ पे बताया गया कि हाइजीन एक बहुत बड़ा इशू है, विजन स्क्रीनिंग एक बहुत बड़ा इशू है. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो यहाँ पे अनकरेक्टेड मायोपिया या हाइपरओपिया से यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और जो बच्चे यहाँ पे ग्लासेस वियर कर रहे हैं उनकी संख्या 50% टच कर गई है इन हायर सेकेंडरी सेक्शन. तो आप खुद देखो कि 50% बच्चे यहाँ पर चश्मों के सहारे देख रहे हैं. देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे आज से कुछ सालों पहले जब चश्मा लगता था जब ग्लासेस का इस्तेमाल करना चालू करते थे जब आईसाइट वीक होती तो अक्सर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता था जब कॉलेजेस में चले जाते थे या कॉलेजेस क्रॉस कर लेते थे तब यहाँ पर यूज़ होता था. बट बच्चे आजकल यहाँ पर इतना ज़्यादा अपनी आँखों को ख़राब करने लगे हैं कि शुरू से ही उनको यहाँ पर ग्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. नाउ ऑल्सो 30.4% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्क्रीन हैव बीन फाउंड टू बी एबनॉर्मल BMI, उनका बॉडी मास इंडेक्स हम लोगों को एबनॉर्मल देखने को मिला. यहाँ पे असेसमेंट किया गया डेंटल और ओरल हेल्थ पैरामीटर्स के ऊपर भी जैसे कैविटी, प्लेक, टाइटर, गम इन्फ्लेशन, ब्लीडिंग, ओरल हाइजीन, टीथ अलाइनमेंट, और इनके अंदर भी यही चीज़ें साफ आई कि बच्चों की जो हाइजीन है, जो ब्रशिंग हैबिट हैं, हाइजीन हैबिट्स हैं, वो जिस तरीके से यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं उनका इम्पैक्ट उनकी बॉडी के ऊपर पड़ रहा है. तो यहाँ पे जो ध्यान रखने की ज़रूरत है हमारे देश के फ्यूचर को, देश के बच्चों को. पेज 18 की तरफ आपको एक और खबर मिलती है, मिस्ट्री ऑफ वेपन्स ऑफ चाइनाज टेराकोटा वॉरियर्स अनरेवल्ड. तो आप लोगों ने ये वाली पिक्चर देखी होगी, नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर्टिकुलर पिक्चर के सामने अपनी फोटो खिंचवाई थी. यहाँ पर ये जो टेराकोटा वॉरियर्स हैं इनके पास हथियार भी हैं, उनके पास स्वाड हैं. तो वो यहाँ पे जो ब्रॉन्ज वेपन्स हैं वो इतने ज़्यादा अभी तक प्रिजर्व कैसे रहे हैं?
अभी तक उनकी जो ब्लेड्स हैं इतने शार्प और इतने शाइनी क्यों रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री की, और इस मिस्ट्री को अब यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है, एक नए हाइपोथेसिस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे शायद जो चाइनीज़ आर्टिसंस थे उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेडली एडवांस प्रिजर्वेशन मेथड इस्तेमाल किया था, जो जिसके अंदर इस्तेमाल होता था यहाँ पे मेटल क्रोमियम का। द प्रिजर्वेशन ऑफ द वेपन इंक्लूडिंग द स्वॉर्ड लेंसेज हेल्बर्ट्स वॉज ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज ब्रॉन्ज हाई क्वालिटी ऑफ टिन, कि यहाँ पर जो टिन कॉन्टेंट था ब्रॉन्ज के अंदर वो बहुत ज़्यादा था, मेटल क्रोमियम का हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया, सॉइल कंपोजिशन फेवरेबल था। इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रूफ किया गया कि यहाँ पर क्रोमियम रिच लेकर अप्लाई किया गया यहाँ पे टेराकोटा फिगर्स के ऊपर, वेपन्स के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला कि जो चीज़ें हैं वो आज तक प्रिजर्व्ड हैं। नाउ क्रोमियम प्लेड नो रोल इन देयर प्रिजर्वेशन, इस चीज़ को भी अब यहाँ पे बोला गया। द टेराकोटा आर्मी कंसिस्टेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइफ साइज्ड सेरामिक वॉरियर्स हॉर्सेस अलोंगसाइड ब्रॉन्ज चैरियट हमें देखने को मिले हैं, वेपन्स देखने को मिले हैं, जो कि बिलोंग करते हैं 3rd century BC को। ओके, तो 3rd century BC को, और इसको 1974 के अंदर फाउंड किया गया था। ये रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द 20th century। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 18 पे आपको एक और खबर मिलती है, जापान प्रोब ब्लास्ट एस्ट्रॉइड टू मेक ए क्रेटर। जापान का जो स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है हायाबुसा 2, उसने लॉन्च किया एक एक्सप्लोसिव डिवाइस एट एन एस्ट्रॉइड, एक एस्ट्रॉइड के ऊपर एक एक्सप्लोसिव डिवाइस यहाँ पे डाला, एमिंग टू ब्लास्ट अ क्रेटर इन द सर्फेस, और यहाँ पे स्कूप अप मटीरियल यहाँ पे बनाया गया, इसके ऊपर लाइट शेड ऑन की गई कि हाउ दिस सोलर सिस्टम इवॉल्व। वहाँ पे ब्लास्ट करके इस चीज़ को खोजने की कोशिश की गई कि सोलर सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुआ। यह मिशन बहुत ही रिस्की मिशन था क्योंकि यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट को एकदम पीछे हटना पड़ा ब्लास्ट करने के बाद। हायाबुसा 2 सक्सेसफुली रिलीज्ड अ सो कॉल्ड स्मॉल कैरी ऑन इंपैक्टर, जो कि कोन शेप डिवाइस था कैप्ड विद अ कॉपर बॉटम, जिसको शेड्यूल किया गया था, और यहां पे हम लोगों को ब्लास्ट देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं केरला की तरफ से खबर, केरला फॉरेस्ट होम न्यू स्पाइडर स्पीसीज। तो यहाँ पे कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि स्पाइडर के अंदर के लिए यहाँ पर हमारे देश में कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं है, वही पर्टिकुलर न्यूज़ यहाँ पे फिर से रिपीट हुई है कि हम लोगों को जंपिंग स्पाइडर देखने को मिले हैं। ओके, अब हमें केरला के अंदर देखने को मिले हैं। उस समय जो मैंने आपको स्पाइडर वाली न्यूज़ बताई थी वो मुंबई से रिलेटेड की थी, ठीक है, मुंबई में कोई आरू कॉलोनी थी उससे रिलेट थी। अब हम लोगों को यहाँ पे जंपिंग स्पाइडर कहाँ देखने को मिले हैं, यहाँ पे केरला के अंदर हम लोगों को देखने को मिले हैं। ओके, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ थी। आप लोग अपनी जो PDFs हैं वो नीचे से डाउनलोड कर सकते हो, मतलब नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर टेलीग्राम का एक ग्रुप होगा, ग्रुप में जाकर PDF डाउनलोड मिल जाएगी आपको। न्यूज़ को आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर आप लोग मुझे बता सकते हो। आज की वीडियो का एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज, एंड हैव अ गुड डे अहेड।